हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू मेक ई कॉमर्स वेबसाइट, तो उसी पर मुझे एक कमेंट आया था कि सर एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे बनाई जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हो। तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना? और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम अपने अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम में साइन इन लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो एफिलिएट मार्केटिंग में हमारी हेल्प कर सके। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अमेज़न के एफिलिएट प्रोग्राम में लॉग इन। और अगर आपने अभी तक इस पे साइन अप नहीं करा है तो साइन अप कर लें, ये आपके बहुत काम आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ अमेज़न एफिलिएट के। तो मैं यहाँ पे एक मोबाइल फोन सर्च करता हूँ वन प्लस, और आप यहाँ पे देख सकते हैं वन प्लस के काफी सारे फोन आ चुके हैं। तो अभी मैं इस फोन को करता हूँ न्यू टैब में ओपन, क्योंकि अभी हमें यहाँ से इसका टाइटल वगैरह और डिस्क्रिप्शन वगैरह कॉपी करना है और अपने वर्डप्रेस पे एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है जिसका टाइटल होगा ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो खुद लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कॉपी। और अपने वर्डप्रेस पैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में इसे करेंगे यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर नीचे की तरफ जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है आप इसमें भी यही चीज पेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पर कर दिया ये पेस्ट। और आप एक फोटो फोन की जरूर डाउनलोड कर लें ताकि वो आपकी वेबसाइट पर शो हो। तो यहाँ पे ये फोटो भी हो गई सेव। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है सेट प्रोडक्ट इमेज का, इस पे क्लिक करके आप वो फोटो अपलोड कर दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट फाइल, वो फोटो सिलेक्ट करी, और ये अपलोड होने के बाद हम कर देंगे सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो भी नजर आ रही है। तो ये अभी थोड़ा सा काम हुआ है हमारा, अब हम इस पेज को कर देते हैं क्लोज, क्योंकि इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अमेज़न एफिलिएट वाले पेज पर इस एरो पर क्लिक करके यहाँ पर ये जो लिंक है आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस शॉर्ट लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं। इस शॉर्ट लिंक को कॉपी करने के बाद आपको जाना है वापस अपने पैनल पर, और यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट की जगह आपको सिलेक्ट करना है एफिलिएट प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट यूआरएल में आपने जो लिंक कॉपी करा है यहाँ पर वो करना है पेस्ट। उसके बाद आप नीचे की तरफ रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस प्रोडक्ट की जरूर डाल दें। उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी प्रोडक्ट की जो है वो सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे एसईओ के लिए आप यहाँ पर प्रोडक्ट के टैग्स वगैरह डाल दें, ये आपको थोड़े बहुत सर्च में शो करने के लिए हेल्प कर सकते हैं मे बी, तो आप यहाँ पे ये जरूर डाल दें। उसके बाद आपको और कुछ नहीं छेड़ना, आपको बस पब्लिश पर क्लिक कर देना है और आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी। आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं प्रोडक्ट को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एफिलिएट प्रोडक्ट किस तरीके से यहाँ पर शो होगा आपकी वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह भी पूरी शो हो रही है और टाइटल वगैरह सब कुछ ठीक है। तो जैसे ही कोई भी इस बाय प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा अमेज़न की वेबसाइट से, और इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना सकते हो और इसके थ्रू भी मनी अर्निंग कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।